Hello everybody, today we are going to learn how to translate any paragraph. आप सभी को पता है ना, अपने घर पहुंचने के कई रास्ते या गली होते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लर्न करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक तरीका है अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने का। When you translate any paragraph and story in the same time, you also learn meaning, vocabulary, grammar and pronunciation as well as sentence formation. तो मैं बता देती हूँ इसका प्रैक्टिस कैसे करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने मर्जी से इसको ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद वीडियो चालू करके मिला लीजिए। You making some mistake, it means you learn something. यदि आप कोई गलती कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीखा है, कुछ सीख रहे हो। पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, then translate. गोलू को बागवानी पसंद है, वह बीज खरीदता है और उन्हें जमीन के नीचे दबा देता है। वह खरपतवार खींचता है, खरपतवार मतलब जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उसे खींचना मतलब उखाड़ फेंकता है और फिर बीजों पर पानी छिड़कता है। वह उन्हें हर रोज ध्यान से देखता है, अगर कोई खरपतवार है तो वह उसे खींच लेता है। वह प्रतिदिन खरपतवार खींचने में 5-10 मिनट लगाता है। अब उसके घर के सामने एक सुंदर बगीचा है, वह इसका बहुत ख्याल रखता है। वह पौधों और फूलों को दिन में 3 बार पानी देता है। वह अक्सर अपने बगीचे में बैठता है और शांति और ताजी हवा का आनंद लेता है। तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। गोलू को बागवानी पसंद है, गार्डनिंग मतलब बागवानी, पसंद है मतलब लाइक है। आपको पता है हम नाउन की डेफिनेशन कैसे पढ़ते थे? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम, नाउन क्या है? एक नाम है, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का। तो गोलू यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति का नाम ही तो है, इसलिए गोलू क्या हुआ? नाउन हो गया। इस पूरे पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि ता है, ती है, पहचान आ रहा है, इसका मतलब ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, राइट? सब्जेक्ट होते क्या है? सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इट मींस जब हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे तब हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हम सभी को पता है कि वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, तभी तो हम उन्हें एस लगा के सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं गोलू क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए होगा, इसलिए एस लगाया गया है। तो गोलू लाइक्स गार्डनिंग। वह बीज खरीदता है और उन्हें जमीन के नीचे दबा देता है। यहाँ पे ही जो कि प्रोनाउन है, गोलू संज्ञा है, राइट? संज्ञा मतलब नाउन है, इसके स्थान पर हम ही का प्रयोग किए हैं, जिसका हिंदी मतलब वह होता है। खरीदना मतलब बाय, ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम बाय में एस लगा के इसे सिंगुलर वर्ब बनाए हैं। सीड मतलब बीज होता है, तो ही बाइज द सीड, द क्या है यहाँ पे? आर्टिकल है। एंड क्या है? कंजंक्शन है, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? एंड का। और बैरिस, बैरिस का हिंदी मतलब दबाना या फिर दफनाना होता है। डैम, आप डैम का मतलब होता है उन्हें, यह क्या है? देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, किसका? दे का, TH EY, दे मतलब वे होता है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? देम। तो देम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है दे का। अंडर मतलब क्या है? यह क्या बता रहे हैं? एक प्लेस बताने का काम कर रहे हैं, जो कि क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है अंडर। द मतलब आर्टिकल। ग्राउंड का हिंदी मतलब जमीन या फिर गार्डन होता है।
तो आप देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस पढ़ते समय हमें कितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल मिल रहे हैं, राइट? ही बाइज द सीड्स एंड बैरिस देम अंडर द ग्राउंड. वह खरपतवार खींचता है और फिर बीजों पर पानी छिड़कता है. ही मतलब वह, यहाँ पे देख रहे हैं आप फुल की जो कि ये वर्ब है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए एस लगाए हैं. वीड्स मतलब कि होता है खरपतवार, एंड मतलब और, देम मतलब फिर, और सीड्स मतलब बीज, स्प्रिंकल्स मतलब छिड़कना, वाटर मतलब पानी. ऑन क्या है? प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस. ही पुल्स वीड्स एंड देन ही स्प्रिंकल वाटर ऑन द सीड्स. आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं. वह उन्हें हर रोज ध्यान से देखता है. वह मतलब ही, वॉच यहां पे ईएस लगाया गया है ताकि हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकें. देम मतलब होता है उन्हें, केयरफुल मतलब ध्यान से, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन. ही वॉचेस देम केयरफुली एवरीडे. अगर कोई खरपतवार है, अगर मतलब इफ, खरपतवार मतलब क्या होता है, वी, एनी मतलब कोई, तो वह उसे खींच लेगा. लेगा मतलब फ्यूचर, इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया गया है, फ्यूचर टेंस का, विल. पुल मतलब खींचना, इट मतलब उसे, राइट? इफ देयर इज एनी वीड्स ही विल पुल इट. वह प्रतिदिन खरपतवार खींचने में 5-10 मिनट लगाता है. प्रतिदिन मतलब एवरी डे, पुलिंग मतलब खींचना, वीड्स मतलब खरपतवार, ही मतलब वह, और समय लगाता है मतलब स्पेंड करता है 5-10 मिनट. ही स्पेंड्स 5-10 मिनट्स एवरी डे पुलिंग वीड्स. अब मतलब नाउ, उसके घर मतलब हिज हाउस, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा, फ्रंट मतलब सामने. ही हैज अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे ही हैज का सेंस है कुछ होने के सेंस में, तो ही हैज मतलब उसके पास कुछ है. क्या है? ब्यूटीफुल गार्डन है. जैसे आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है, कुछ होने के सेंस में यूज किया जाता है हैज और हैव का. तो यहाँ पे हम, अब उसके घर के सामने एक सुंदर बगीचा है, उसे हम कहेंगे नाउ ही हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. यहाँ पे यदि गोलू है इसलिए यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, हिज हाउस. यदि गर्ल्स होती तो फिर हर हाउस आ जाता. वह इसका बहुत ख्याल रखता है. ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, टेक केयर मतलब ख्याल रखता है. किसका? इस बगीचे का. इट मतलब उसका, ही मतलब वह. ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ इट. वह पौधों मतलब क्या होता है, प्लांट्स. एक पौधे नहीं है, बहुत सारे, इसलिए प्लांट्स. फ्लावर्स बहुत सारे, इसलिए फ्लावर्स, ठीक है. थ्री टाइम मतलब 3 बार अ डे, एक दिन में. अ डे मतलब एक दिन में. ही वाटर्स मतलब पानी देना. ही वाटर्स द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स 3 times a day. वह अक्सर अपने बगीचे में बैठता है और शांति और ताजी हवा का आनंद लेता है. अक्सर मतलब ऑफन ही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सिट्स मतलब एस लगा हुआ है, सिट्स, राइट? हिज गार्डन मतलब होता है अपने बगीचे में. इंजॉय मतलब आनंद लेना या मस्ती करना. पीस मतलब होती है शांति, और फ्रेश एयर का मतलब होता है ताजा हवा. तो ही ऑफन सिट्स हिज इन हिज गार्डन एंड एंजॉय दी पीस एंड फ्रेश एयर. यदि आपको लैंग्वेज लर्न करने का यह स्किल, LSRW मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग का यह तरीका अच्छा लगता है, तो आपको इस चैनल से जुड़ा होगा, क्योंकि सबको पता है कि
समुद्र में एक छोटी मछली को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभार तो जाले से भी निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में इस चैनल को ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आप तक पहले पहुंच पाएं।